बांग्लादेश के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। भारतीय टीम के सुपरस्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के चलते बांग्लादेश टूर से बाहर हो चुके हैं और अब मोहम्मद शमी की जगह एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया गया है जिस खिलाड़ी के लिए सभी एक्सपर्ट्स हल्ला मचा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई मुकाबले खेलने के लिए तैयारियां करने में जुटी हुई है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला कल दोपहर को खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर पर 3 ओडीआई मुकाबले और 2 टेस्ट मुकाबले खेलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी की जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शमी केवल ओडीआई सीरीज से बाहर हुए हैं, टेस्ट सीरीज से अभी उनको बाहर नहीं किया गया है। हाथ में चोट के चलते मोहम्मद शमी इस ओडीआई श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं और अब मोहम्मद शमी की जगह भारतीय टीम ने उमरान मलिक को टीम में शामिल किया है। उमरान मलिक जो कि न्यूजीलैंड टूर पर गई भारतीय टीम का हिस्सा थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए ओडीआईज में उमरान मलिक ने अपनी पेस से सभी को प्रभावित किया था। उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी कर काफी विकेट चटकाई थी और उमरान मलिक का नाम बांग्लादेश के लिए टीम में नहीं था और अब उनको मोहम्मद शमी की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है।